ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਐਂ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕੰਮ ਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਾਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਤਾਨੇ पर हुण बहुत सारे कपल ने जिन्होंने फास्ट फूड का काम खोल लिया शायद किस्मत की गल कर लगे तो किस्मत भी कितने ना कितने जिहड़ा साथ दिंदी नज़र आउंदी है, पर काम कोई भी जिहड़ा वड्डा छोटा नहीं हुंदा ते सिर्फ इंसान की जिहड़ी सोच है वह वड्डी छोटी हुंदी है। ते अज लुधियाणा दे विच खड़े हाँ ते एक कपल दे नाल तुहानूं असीं मिलाउण जा रहे हैं। सत श्री अकाल, द सिटी हैडलाइनस देख रहे हो तुसीं, मैं तुहाडा दोस्त गगन समा। दोस्तों लुधियाणा दे विच खड़े हाँ तो अज एक कपल दे नाल तुहानूं असीं मिलाउणा ते खास गलबात की है फास्ट फूड की रेहड़ी तैयार की है नवी आप गल कर लगे। ना भी तुसीं देख सकते हो सिंह एंड कौर, सो बड़े लाजवाब कहिंदे न्यूट्री कुलचे हुंदे ने इहनां दे, अक्सर ही चर्चा दे विच रहिंदे आ ते गलबात भी नाल करदे आ कि किस तरह जिहड़ा ये शौक आप शौक ही कह दईए क्योंकि कोई भी कम जिहड़ा शौक दे नाल हुंदा है, बेशक वो कमाई का साधन है पर वो एक वक्री गल है ते क्योंकि शौक दे नाल सारे काम होंदे ने। गलबात उन्हां दे नाल करदे आ कि किस तरह जिहड़ा मन दे विच विचार आया। सो भाजी मेरे नाल मौजूद ने, गलबात करदे आ। भाजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, होर ठीक ठाक हो जी? वधिया जी, तुसीं दसो। सो कहिंदे चर्चे पहलां हुंदे सीगे वायरल कपल दे, जिहड़ा अमृतसर दे विच कुल्हड़ पीजे वाले मशहूर आ ते अज कल बहुत सारे कपल इदां दे जिन्हां ने काम शुरू कर लिया, तुसीं भी नवी एक रेहड़ी लाई आ, स्टाल लाई आ, की कहना चाहोगे? रेहड़ी देखो जी अज कल कम कर तो हुण रहे नहीं, तुहानूं पता बाकी आपां देखिए कोई ना कोई जॉब मिलदी जल्दी जी ते बिजनेस पहले ही डाउन ने सारे, पर हुण घर चलाउण लई कोई ना कोई तो हीला करना ही पैंदा जी। सो बाकी मेरा शौक सीगा इस लाइन दे विच आउण दा, खाण पीण दी लाइन दे विच, मैं हुण इक जो मौका भी हैगा ते मजबूरी भी आ इस करके फिर शुरू करता जी। किन्ना टाइम हो गया स्टार्ट कीते नूं? मैनू जी ज़्यादा नहीं होया, महीना डेढ़ ही होया जी स्टार्ट कीते नूं, बाकी रिस्पोंस वधिया जी कस्टमर दा। जे असीं गल कर लगे तां पहलां तों ही तुहानूं जिहड़ा समान बनाउणा आउंदा सी, जिहड़ा बाद विच सिख्या स्पैशल किस तों? समान बनाउणा आउंदा वी सीगा जी, बाकी मेरी वाइफ वी एक्सपर्ट आ कुकिंग लाइन दे विच, साडा दोनों दा कोर्स कीता होया जी। दोनों एक दूजे दा पूरा साथ दिंदे हो ते जे असीं रिश्तेदारां दी गल कर लगे तुहाडे सहुरा परिवार वल्लों कदे ताने वजे होण वी तूं साडी हुण धी नूं लै के तुसीं रेहड़ी लाउंगे इदां दा कोई सामणे आया? हाँ जी, मेरे सहुरा साहब वालों थोड़ा जहा ऑब्जैक्शन सी, उन्होंने थोड़ा लग्या कि
मतलब कम स्टैंडर्ड तो नहीं है इन्ना जिम्मे रेहड़ी तो खड़ना है ना तो है भी ये थोड़ा जहाँ अपने हम पंजाब के कल्चर के हिसाब न देखिए एक लेडीज़ में रेहड़ी तो खड़ना इन्ना कॉमन नहीं कह सकते हूँ ही ट्रेंड स्टार्ट होया थोड़े दिनों तो दो चार सालों तो कह सकते हैं पर हूँ जिमें आप बाहर की गल करिए फोरन हम जाने आप इदों भी नवे नवे कम करने पैंते हैं सो य सोच रखी कि हूँ जो बाहर जाके कम करने तो आप इतने क्यों ना करिए सो मैनू नहीं लग्या भी इस कोई बुराई है ना ही मेरी वाइफ नूं लग्या जी क्योंकि अजक पढ़िया लिखा समाज आ ज़्यादातर उन्होंने पता कि आप इज्जत नाल काम करना इज्जत देवे इज्जत मिलेगी जी सो अपना काम कर रहे हैं अपनी सरदारी है चाहे रेहड़ी दे है पर फिर भी ठीक आ जे मैं गल कर ला तो वाइफ वालों तो पूरा सपोर्ट की जाती है तो पूरा साथ दिता जाता है हाँ जी 100% पूरा था साढ़े दोनों की रजामंदी नाल ही काम स्टार्ट किया जी एक दूजे का किसी के प्रैशर नहीं सीगा ना पूरी तरह मन बना के आए इस लाइन के हूँ भी पूरी तरह मतलब दोनों के एडजस्टमेंट जो भी है ना अंडरस्टैंडिंग चलती है कस्टमर अटेंड करी दे वधिया तरीके दे नाल वधिया चल रहा जी मैरिज की गल कर लगे लव मैरिज हुई जां अरेंज मैरिज हुई नहीं अरेंज मैरिज जी मेरी हाँ जी क्योंकि देखो बड़ा डिफिकल्ट होंगे कि जो आप जो मैरिज होंगी है चाहे वह अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज अभी गल कर लगे तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो जाती है कि इदा जो मतलब रेहड़ी लाने तो दोनों परिवारों की सहमति नहीं होंगी तो अक्सर पर जो साथ तो जरूर जरा देना चाहिए चाहे कोई भी काम असं करते दोनों मियाँ बीबी को मिल के चलना चाहिए पर कई ऑब्जैक्शन बहुत लेंदे ने तो होर कोई ज मतलब पिंड घर आंढ गुआढ़ किस तरह ताने मीण मारे हो किस तरह के ताने मेन मैं थोड़ा दस जी आप ज़्यादा किसी को सलाह नहीं ली है अपने घर के मेन बंद को दो चार बारी गल की है पहल नहीं सी रजामंद पर हौली हौली उन्होंने समझाया भी किसी को गुलामी करके नौकरी करा 10-15 हज़ार के वास्ते दोनों जने क्योंकि इन्हों की वैसे एम ए बी एड की हुई टीचिंग लाइन से जा सकते हैं पर हूँ पता सरकारी नौकरियां मिलदियां नहीं है प्राइवेट जॉब से थोड़ा पता ही है कि प्रैशर वधदा सैलरी इनकम घट ने सो असी सोचा कि समझाया भी घरदियां नूं बड्डियां नूं बई हुण तां इहो जी गल रही नहीं वैसे भी कोविड तो बाद किसी भी काम नूं छोटा नहीं समझा जाता हुंदा भी नहीं कोई काम छोटा पर कोविड तो बाद सारे समझन लग गए ने इस गल नूं बई अपनी मेहनत करके कोई भी आपां काम करिए तां उह छोटा नहीं गिणिया जाता बई अपना फ्यूचर आपां बना सकते हैं जे चाहिए सो इन्हां दी वाइफ ने सरदार साहब दे उन्हां नाल भी थोड़ी जी गलबात करन दी कोशिश करांगे ते मैडम सत श्री अकाल जी ठीक ठाक हो जी वधिया तुसीं एम ए बी एड की हुई थोड़ी तो बाई जी ने दसिया तो एम ए बी एड करके अज छोटी जी रेहड़ी के उपर खड़ी हो की कहना चाहोगे काम कोई छोटा व्डा नहीं होंदा गा एम ए बी एड बेशक की है बट जिदा दू सरकार मिल रही है ज मिली अज तक सब ने गल की काम किसी ने भी नहीं किया तो इस उम्मीद सी कि गोरमेंट जॉब मिलेगी बट नहीं कोई राह ही नहीं विख्या फिर प्राइवेट जॉब तो वैसे भी प्रैशर ज़्यादा होंगे तो ही सोचा कि आपका काम करते हो ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਓਗੇ ਬਸ ਡੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣਾਂਗੇ ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਥ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚਾਚੀ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵੀਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਿਊਟਰੀ ਕੁਲਚੇ ਆ ਛੋਲੇ ਕੁਲਚੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਆਈਟਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਨਿਊਟਰੀ ਕੁਲਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ
स्टोरी जी जरूर होंगी हूँ ये की है कि एक सवाल बनते हैं कि साड़िया सरकार जी वो इन नकमिया ने कि एम ए बी एड करके भी सानू रेहड़ियां लाइनिया पै रही ने बेशक ये साडा अपना खुद का रुजगार है पर सवाल वड्डे ने कि जेकर साडियां सरकारां चंगियां होण तां इदां दे जिहड़ा टैलेंट आ जिहड़े एम ए बी एड कीती होई आ जां जिहड़े कई बी टेक नौजवान भी रेहड़ियां लाउंदे देखे आ तां इन्ना पढ़न लिखन दा फिर फायदा की जे सानू नौकरियां मिलनियां ही नहीं तां चलो गलबात करदे आ ते गलबात असीं करी लई आ ते हुण तुहानूं दिखाउणे आ वी बणाउंदे किस तरां ने की तैयार करदे हुण स्पैशल तुहाडी आइटम किहड़ी आ स्पैशल सर वैसे दोनों ही हैं बाकी न्यूट्री कुलचा साडा ज़्यादा फेमस आने तैयार करके खा दें तो हूँ न्यूट्री कुलचा जो सरदार साहब लाएंगे तो बड़ी कैंट स्टोरी है बाकी एक गल होर भी है जी अजक रिश्ते ने ज़्यादातर वो यही ने कि एक दूजे का साथ जो नहीं दिता जाता सो एक परिवारिक सांझ भी नज़र आती है तो एक जो है रल मिल के रहन का जोड़ा वह भी सुनेहा दिता जाता इन्हों वालों तो हूँ न्यूट्री कुलचे लगन जा रहे हैं तो सरदार साहब के स्पैशल जो न्यूट्री कुलचे दे सकते हो हूँ न्यूट्री के नाल डिप करके तो स्पैशल जी प्लेट वो लगन जा रही है जे गल कर लगी फिर समान कदों तो तैयार कर लग जाने हो तुसीं समान सर 3 बजे स्टार्ट हो जाता जी करन नूं तैयारी हाँ जी हाँ जी क्योंकि न्यूट्री जी है जी ये टाइम लैंदी बनन नूं ये तुसीं हुण बटर लाउणे हो किहड़ा बटर यूज करदे हो बटर साडे कोल दो तरह दे एक डिलीशियस है एक अमूल है जी तुसीं देख सकदे हो जिहड़े न्यूट्री कुलचे है लाजवाब बड़े लग रहे आ ते बटर दे विच जिहड़े आ पक रहे आ ते न्यूट्री तुसीं देख सकदे हो बिल्कुल घर वर्गा टेस्ट तुहानूं उत्थे मिलण वाला ते भाजी अपनी लोकेशन की है जी एड्रैस पूरा जरूर दस दो हाँ जी लोकेशन सर दुगरी फेस 2 200 फुट रोड है जी ओपोजिट जैन मंदिर सामने ही अपना कार्ट लगी है सो जे तुसीं भी सरदार साहब के न्यूट्री कुलचिया का जो टेस्ट तो चकना चाहते हो तो टेस्ट करना चाहते हो तो जिहड़ा जैन मंदिर के बिल्कुल सामने दुगरी के स्टॉल मिल जानी है तो लिखा होया उत्ते सिंह एंड कौर द वैजी हट सो इत्थे आ के जिहड़ा तुसीं लाजवाब न्यूट्री कुलचे का टेस्ट कर सकते हो प्लेट लगन जा रही है तो नाल तुसीं देख सकते हो कि बटर तो पूरा सरदार जी जिवें खुले दिल नाल यूज पाउंदे आ तो न्यूट्री कुलचे की ग्रीन चटनी ग्रीन चटनी किहड़ी चीज़ तो तैयार होंदी है ग्रीन चटनी जी ये धनिया पुदीना हरी मिर्च तो नाल दही पैंदी जी इहदे विच तो तुसीं देख सकते हो प्लेट जी सज के तैयार है तो न्यूट्री बड़ी विच है नाल ग्रीन चटनी है सैलड है तो नाल तुसीं देख सकते हो प्यारे प्यारे जिहड़े कुलचे सो बड़े लाजवाब जिहड़े दिख रहे हैं सो एकदम जिहड़े अमल बटर दे विच तैयार किए गए आ तो सदा सब मैसेज की देना चाहोगे जिहड़ा अजकल दा यूथ आ उहनां नूं की मैसेज देना चाहोगे मैसेज जी हुण यूथ नूं तूं जाणदी सब कुछ समझदार आ यूथ ये हुण सरकारां कोलों तां कोई उम्मीदां है नहीं जिहड़ी मर्जी सरकार आ जाण जिवें हुण लोकां ने रल के चेंज किया पंजाब दे विच पुरानियां सरकारां नूं अक के हुण नवीं सरकार लियाउंदी सी पर कोई ज़्यादा कुछ हल हुंदा दिखदा नहीं किसी नूं वी कि उही सिस्टम चलदा पिया उही हालात ने पंजाब दे सो यूथ नूं मैसेज यही आ भी अपने दम ते जे कुछ कर सकते हो तो कर लो ते पढ़ाइयां करके मैं देखिया जी अजकल इन्ना फायदा नहीं हो रहा जो मेहनत करके हुण मिल सकदा हुण सारा यूथ अपना कनेडा नूं भज रहा है कोई किसी कंट्री जांदा किसी कंट्री इत्थों दुखी हो के जांदे सरकारां दे जो भी पॉलिसियां ने कम कर नहीं मिलते घर बार चलाउणा औखा होया पिया हर कोई कहिंदा भी मेरा वीज़ा लग जाए मैं बाहर नूं चले जावां बाहर जाके भी देखो मेहनत करनियां ने आपां गोरियां दी गुलामी करनी आ तो क्यों ना जे इत्थे कोई इदां दा कोई आपां नूं आइडिया सोझ सकदा जे इत्थे मेहनत करके जे कुछ बन जावे कोई हर कोई बाहर भी नहीं जा सकदा जी देखो किसी दा टाइम लंघ चुक्या ते किसी कोल इन्ने पैसे नहीं है कि बाहर जा सके मेरे हिसाब नाल अपने पंजाब नूं दोबारा सुनहरा पंजाब बनाउण वास्ते रंगला पंजाब बनाउण वास्ते सानूं रल के इत्थे मेहनत करके अपना पंजाब वधिया बनाउणा चाहीदा दिखाना चाहिए दुनिया को कि पंजाब उही है पंजाब के लोग उही ने असी बाहरली कंट्री शिंगार रहे उत्थे मेहनत करके क्यों ना पंजाब नूं दोबारा उही पंजाब बनाया जाए मेरा सुपना यही है जे मैं गल कर लां तुहाडी स्टडी कितनी है मेरी ग्रैजुएशन है जी बी ए की जी मेरी हाँ जी बाकी मैं फोटोग्राफी के वीडियो एडिटिंग का काम करता रहा काम वो भी वधिया सीगा जी पर ऐ आ भी करोना तो बाद काम सारे डाउन हो गए तो कुछ सीजनेबल काम आ 6 महीने कम करो बाकी 6 महीने फ्री बहना पैंदा सो
ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਸਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਸਟਮਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਸਟਮਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜੇਕਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਐੱਮ ਏ ਬੀ ਐੱਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਏ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਿਊਟਰੀ ਕੁਲਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਗਗਨ ਸਮਾਤ, ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ।